चटमाला। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द ग्रामर पॉइंट संधि. ओके, ठीक तरह से इसे देख लो और उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर. ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, होता है. सो जो कुछ भी मैं देती हूँ उसे आपके क्लास वर्क में एक भाग करके उसमें लिख लो. वॉट एवर द ग्रामर पॉइंट्स आई एम गिविंग टू यू, राइट डाउन इन योर दिस वन क्लास वर्क. ओके, वेन यू विल कम बैक आई विल चेक इट. So today I am going to explain you संधि. संधि, संधि का मतलब क्या होता है? संधि यानी कि क्या है? संधि यानी कि शब्द का अर्थ है मेल. संधि शब्द का अर्थ है मेल. मेल यानी कि जोड़ना, मेल करना यानी कि जोड़ना. सो दो वर्ण या अक्षरों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं. सो दो वर्ण या अक्षर, ಎರಡು ವರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜಬ್ ದೋ ವರ್ಣ ಆಪಸ್ ಮೇ ಜುಡ್ತೆ ಹೇ ತೋ ಏಕ್ ನಯಾ ರೂಪ್ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ತಾ ಹೇ. ತೋ ದೋ ನಯಾ ದೋ ವರ್ಣ ಜಬ್ ಆಪಸ್ ಮೇ ಜುಡ್ತೆ ಹೇ, ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಎರಡು ಪದಗಳು ಯಾವಾಗ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತವೋ ಅವಾಗ ಹೊಸದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಣ ಮೇಲ್ ಕಿ ಇಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಕೋ ಸಂಧಿ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೇ. ಅಕ್ಷರದ ಈ ಜೋಡಣೆ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಂಧಿ ಮೇ ಕಿತನೆ ಭಾಗ ಹೋತೆ ಹೇ? ಸೊ ಸಂಧಿ, ಸಂಧಿ ಮೇ ಹಮ್ ಲೋಗೋಂ ಕೋ ಸ್ವರ ಸಂಧಿ, ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ, ಸಂಧಿ ಸಂಧಿ ಮೇ ತೀನ್ ಭಾಗ होता है, तीन बार होता है. उसमें फर्स्ट वन स्वर संधि, स्वर संधि, एंड दूसरा वन, दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, एंड तीसरा विसर्ग संधि, तीसरा विसर्ग संधि. सो संधि में प्रॉब्ली तीन भागों में हम विभाग कर सकते हैं, वो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि. और ಈಗ ಒಂದೊಂದನ್ನ ನಾವು ವಿವರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವರ ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಸ್ವರ ಸಂಧಿ. ಸೊ ಸ್ವರ ಸಂಧಿ इसका उदाहरण है, इसका एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन है. जब जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं, तब उसे स्वर संधि कहा जाता है. स्वर संधि कहा जाता है. सो इसमें भी हम विभाग कर सकते हैं. स्वर संधि में फर्स्ट वन दीर्घ संधि, सेकेंड वन गुण संधि, थर्ड वन वृद्धि संधि, फोर्थ वन एंड संधि, एंड फिफ्थ वन आयादि संधि, आयादि संधि. सी सी हियर चिल्ड्रन.
सो स्वर संधि यानी कि जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं, यानी कि स्वर के बदले स्वर ही जोड़ते हैं, जब जुड़ते हैं तो एक नया रूप धारण करते हैं। स्वरद जते स्वर सेरी बेरियाद होसदोंदु अक्षरवनल्लि होंदुवुदक्के उसे क्या हम कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वरद जते स्वर सेरी बेरे ओंदु अक्षर अल्लि बरोदक्के अदक्के नावु एनु हेळ्तीवि? स्वर संधि अंत हेळ्तीवि। सो स्वर संधि में कितने विभाग है? स्वर संधि में हमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि एंड आयादि संधि है। सो कौन सा स्वर जोड़ने से कैसा अक्षर विकार होता है उसके बारे में हम आप जानेंगे। तो स्वर संधि, स्वर संधि के बारे में सी चिल्ड्रन, दो स्वर आपस में मिलने से मिलकर एक नया रूप धारण करता है। ಒಂದು ಸ್ವರ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರದ ಅಕ್ಷರ ಸೇರಿ ಬೇರೆಯಾದ ಹೊಸದೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವರ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಸ್ವರ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಇದೆ, ಗುಣ ಸಂಧಿ ಇದೆ, ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಇದೆ, ಯಣ ಸಂಧಿ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಆಯಾದಿ ಸಂಧಿ ಹೇ। ಸೊ ಇಸ್ಕೋ ಹಮ್ ಏಕ್ ಏಕ್ ಕರ್ಕೆ ವಿವರಣ ಮೇ ಜಾನೆಂಗೆ ಕ್ಯಾ ಹೇ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಗುಣ ಸಂಧಿ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ ಕ್ಯಾ ಹೇ, ಯಣ ಸಂಧಿ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಔರ್ ಆಯಾದಿ ಸಂಧಿ ಕ್ಯಾ ಹೇ। ಕೌನ್ ಸೇ ಅಕ್ಷರ ಮಿಲ್ನೆ ಸೇ, ಕೌನ್ ಕೌನ್ ಸೇ ಸ್ವರ ಮಿಲ್ನೆ ಸೇ ಕೌನ್ ಸಾ ವಿಕಾರ ಹೋತಾ ಹೇ ಇಸ್ಕೇ ಬಾರೇ ಮೇ ಹಮ್ ಜಾನೆಂಗೆ। ಏ ಆಪ್ ಲಿಖ್ ಲೋ, बाद में एक एक करके हम विवरण देंगे। ठीक है, अब मैं इसे रब कर देती हूं। सो एक एक करके हम जानेंगे क्या है स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आयादि संधि, इनके बारे में हम जानेंगे। ओके, अब स्वर संधि, दीर्घ संधि, पहला दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। सो दीर्घ संधि क्या होता है चिल्ड्रन? दो स्वर मिलकर, सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सवर्ण स्वर यानी कि व्हाट चिल्ड्रन? सेम अक्षर अ अ इ इ उ उ लाइक दैट, सेम स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अ प्लस अ लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल सी अ प्लस अ मिलकर आ हो जाता है, यानी कि नहीं तो अ प्लस आ अगर आए तो वो भी आ हो जाता है। सवर्ण नेक्स्ट ई प्लस ई मिलकर ई हो जाता है, नेक्स्ट ई प्लस ई ई होकर ई, वो भी दीर्घ ई हो जाता है। नेक्स्ट ऊ प्लस ऊ मिलकर ऊ हो जाता है, दीर्घ ऊ, ऊ प्लस ऊ मिलकर ये भी दीर्घ हो जाता है। फॉर दिस एग्जाम्पल सी हियर चिल्ड्रन, ये अ प्लस अ बाद में क्या हो गया? आ हो गया, आ दीर्घ आ। नेक्स्ट अ प्लस आ, ये भी आ दीर्घ आ गया। सेम सवर्ण स्वर ई प्लस ई ई हो गया, सेम सवर्ण अंद्रे सेम अक्षरगळु सेरी दीर्घ आगोदक्के अदन्न नावु एनंत करितीवि? दीर्घ संधि अंत करितीवि। फॉर एग्जांपल समान अधिकार सी हियर, समान प्लस अधिकार क्या बन जाता है? समान अधिकार,
समान अधिकार. ओके, समान अधिकार. सो यह न अ को रिप्रेजेंट करता है, ये भी अ. सो अ आ मिलकर क्या हुआ, समान प्लस अधिकार. यह ना समान आ बन जाता है. सो समान अधिकार, समान प्लस अधिकार, समान अधिकार. सी हियर अ प्लस अ, यह ना, ना यानी कि अ दीर्घ बन जाता है. इसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाउ अ प्लस आ, ऐसा शब्द कौन सा है, धर्म प्लस आत्मा. आंसर इज धर्मात्मा. ओके, नाउ हियर धर्म अ मात्रा विल कम हियर, आत्मा हियर अ मात्रा विल कम. सो धर्मात्मा हियर दिस विल बी आ ओनली, दीर्घ आ ओनली. अंडरस्टूड, अ प्लस आ मिलकर आ ही हो जाता है. नेक्स्ट ई में कुछ देखेंगे, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, आंसर विल बी कवींद्र. ओके, हियर कवि विल बी ई मात्रा एंड इंद्र विल बी ई मात्रा, यहां बी विल बी ई मात्रा. अंडरस्टूड. नेक्स्ट लाइक दैट ओनली, गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, गिरीश. हियर आल्सो री ई मात्रा एंड ई मात्रा, हियर इट विल बिकम ई. अंडरस्टूड. सो गिरीश. नेक्स्ट ऊ में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर, लघुत्तर. ओके, हियर लघु दिस इज ऊ मात्रा, दिस इज ऊ, हियर ऊ, इट विल बिकम ऊ, लघुत्तर. नेक्स्ट ऊ प्लस ऊ, इट विल आल्सो बिकम ऊ. फॉर दैट सिंधुर्जा, सिंधु प्लस ऊर्जा, आंसर विल बी सिंधुर्जा. सो हियर आल्सो इट विल बी ऊ एंड ऊ एंड इट विल बिकम ऊ. ठीक है, जो दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं. सपोज अ से आ मिला तो आ बन जाता है, आ मिला तो आ, या ई से ई मिला तो ई, एंड ऊ से ऊ मिला तो ऊ. अंडरस्टूड. सो सेम सवर्ण अक्षर बनकर वो दीर्घ हो जाते हैं, सेम अक्षर बनकर दीर्घ हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं. राइट डाउन चिल्ड्रन. आफ्टर दिस विल गो फॉर नेक्स्ट वन, गुण संधि. Next one will be guna sandhi. Next one will be guna sandhi.
गुणसंधि कैसे होता है चिल्ड्रन? यदि अ और या आ के बाद ई या ई, उ या उ के बाद और रोके बाद रू आए तो क्रमशः ये वो और हो जाता है। सी हियर चिल्ड्रन, गुणसंधि की विशेष क्या है? अ या आ के बाद, ई या ई, उ या उ और रू के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो क्या होकर चेंज होता है? क्रमशः ए, ओ और आर हो जाता है। गुणसंधि अ जोते ई सेरकोंड्रे अथवा अ जोते उ सेरकोंड्रे अथवा आर जोते ई सेरकोंड्रे आवाग अक्षरगळु चेंज आगुत्ते। याव याव अक्षरगळु बरुत्ते अल्लि? ए, ओ मत्ते आर। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू अ प्लस ई हो तो ये हो जाता है, अ प्लस उ हो तो क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, और अ प्लस रु हो तो अर हो जाता है। इसके लिए हम अभी एग्जाम्पल देखेंगे। सो गज प्लस इंद्र, अभी गज प्लस इंद्र जब हम जोड़कर बोलते हैं तो क्या हो जाता है? वो गजेंद्र, वो क्या बन जाता है? गजेंद्र। यह क्या है? अ है। यह क्या है? ई है। यह क्या बन गया? ए बन गया। अंडरस्टूड? सी हियर, अ प्लस ई मिलकर क्या हो जाता है? ए बन जाता है। गज प्लस इंद्र गजेंद्र, अ प्लस ई मिलकर ये हो जाता है। नेक्स्ट वार्षिक वार्षिक प्लस उत्सव, वार्षिक प्लस उत्सव वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव, ओके, वार्षिक प्लस उत्सव वार्षिकोत्सव। सी हियर, वार्षिक अ बन गया, उत्सव उ हो गया, यह एंड वार्षिकोत्सव यह क्या बन गया? ओ। क्या अक्षर बन गया? ओ अक्षर बन गया। अ और उ मिलने से क्या बन जाता है? ओ अक्षर बन जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? गुणसंधि कहते हैं। नाउ अ एंड र अर, सो सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि इज इक्वल टू सप्तर्षि, ओके, सप्तर्षि। सी सप्त आ प्लस र, ओके, आ प्लस रू अर, सप्तर्षि अर,
अर बन जाता है यह, अंडरस्टूड? सप्तर्षि. सो जब ए स्वर सेम है लेकिन उसके साथ दूसरा स्वर मिलने से, ई उ या र मिलने से कौन सा अक्षर बन जाता है? ये वो और अर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुणसंधि कहते हैं. अंडरस्टूड? गुणसंधि अंत ना यावदन हेल्ती अंद्रे सेम अक्षर स्वरद जोते बेरिय स्वर बंदरे अदक्के अदरिंद आगुवंतह विकार, विकार एनु? ए ओ और अर बन जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? गुणसंधि कहते हैं. इदन्न नावु गुणसंधि अंत हेळ्तीवि. राइट डाउन नाउ. ओके, नाउ आई विल रब दिस वन चिल्ड्रन, आई विल गो फॉर नेक्स्ट वन. वृद्धि संधि, नेक्स्ट वन विल बी वृद्धि संधि. स्वर संधि में क्या हो जाता है? सेम स्वर आ जाता है, अ अ इ इ उ उ, लेकिन गुण संधि के साथ अ के साथ ई, आ के साथ उ और आ के साथ र हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं. और दूसरा अभी है वो है यण संधि, सुनो सॉरी वृद्धि संधि. दूसरा जो हम देखने जा रहे हैं वो है वृद्धि संधि. जो है वृद्धि संधि. अभी वृद्धि संधि के साथ कौन कौन सा स्वर मिलता है अभी हम देखेंगे, ठीक है? यदि अ य आ के बाद ये या आई आए तो दोनों के स्थान पर आ या आ के बाद सी है चिल्ड्रन वृद्धि संधि. यदि अ या आ के बाद
ये या आई, आ के साथ ये अथवा आ के साथ ये आए तो आई हो जाता है. ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಷರ ಬಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ದೋನೋ ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪರ್ ಕ್ಯಾ ಬಂತಾ ಹೇ ಐ ಬನ್ ಜಾತಾ ಹೇ. ಯಾ ಅ ಕೆ ಆ ಔರ್ ಆ ಕೆ ಬಾದ್ ವೋ ಯಾ ಔ ಆಯೆ ತೋ. ಅ ಮತ್ತೆ ಅ ನಂತರ ಓ ಮತ್ತೆ ಔ ಬಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔ ಅನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಐ, ಅ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ. ಏಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಕ್ ये क्या बन जाता है, एकैक. ए कैक ओके. एक अ प्लस ये, सो यह आई बन जाता है कई. ओके नेक्स्ट अ प्लस ये, आ प्लस ए के बाद सदैव, सदा प्लस आईव ओके. सदैव बन जाता है सदैव. हियर आ विल बी देर, आ दीर्घ मात्रा आ. नेक्स्ट आई विल बी देर, सो ये भी क्या बन जाता है, आई बन जाता है सदैव. नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अ प्लस ओ, आ प्लस ओ से परम प्लस ओज, परम प्लस ओज इज इक्वल टू परमौज. परम प्लस औज इज इक्वल टू परमौज. यह देखो अ प्लस वो इज इक्वल टू औ, परम औज औ बन जाता है. हियर अ एंड वो, आ एंड अ बन जाता है महाऔषधि, महा महाओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, महा महोजस्वी, महोजस्वी ओके. हियर सी चिल्ड्रन, हा यानी कि आ मात्रा एंड ओ इज इक्वल टू ओ मात्रा एंड हाउ इज इक्वल टू औ मात्रा. सी हियर वृद्धि संधि में क्या होता है, आ के बाद ये और आई, और आ के बाद ओ और औ आए तो क्या बन जाता है, वो आई एंड औ बन जाता है. इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल में स्वर संधि में सेम स्वर आता है, अ के पास अ आए तो आ बन जाता है, अ के प्लस ई के प्लस ई आए तो ई बन जाता है. लेकिन गुण संधि में क्या होता है, अ के आ स्वर के साथ ई उ आ, 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 आ के साथ ई, आ के साथ उ या आ के साथ र बन गए तो दूसरा वर्ण बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं. एंड वृद्धि संधि हम किसे कहते हैं, आ के बाद यानी कि आ के बाद ये और आई, और आ के बाद ओ और औ बन जाए तो आई और औ बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं. राइट डाउन चिल्ड्रन. और नेक्स्ट वन विल बी यण संधि. नेक्स्ट वन विल बी यण संधि. नेक्स्ट वन विल बी यण संधि चिल्ड्रन. सो आज हम यण संधि, यण संधि ठीक है. यदि यण संधि क्या है, यदि
सो एन संधि हम किसे कहते हैं? ई उ और रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए थो अंद्रे ई मत्ते उ रू नंतर बेरे यावदादरू होसदाद स्वर बंदरे सपोज उसे हम क्या कहते हैं, क्या बन जाता है? ई का य, उ का व और रू का र हो जाता है। ये अक्षर बदलावणे आगते। सो अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक ये क्या बन जाता है? अति प्लस अधिक अत्याधिक, अत्याधिक क्या? सो अति here e a is equal to tya, यानी कि य अक्षर बन जाता है, दूसरा वर्ण बन जाता है। नेक्स्ट ई और ओ प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार इज इक्वल टू प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। सो यह प्रति प्लस उपकार विल बी प्रत्युपकार। सो सेम वर्ड सी प्रति ई बन जाता है उ त्यु प्रत्यु त्यु य लो य बंतु। नेक्स्ट अ प्लस उ प्लस आ बंदरे एनागते मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर, मनु प्लस अंतर इज इक्वल टू मनवंतर, मनु प्लस अंतर मनवंतर। हियर मनु उ प्लस अ या व, व बनकर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट पितृ प्लस, पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। यह त्र यानी कि र बन जाता है, पितृ अ प्लस पितृ उ प्लस अ इज इक्वल टू पित्राज्ञा बन जाता है। रू प्लस सॉरी रू प्लस अ र बन जाता है, इसे पित्राज्ञा बन जाता है। यदि ई ई और उ और रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या बन जाता है? य व एंड आर र बन जाता है। ई और ई ई का आ हो जाता है तो य बन जाता है, ई से उ बन जाए तो यू बन जाता है, उ से अ बने तो व बन जाता है और रू से अ बने तो र बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? एन संधि कहते हैं। लिख लो चिल्ड्रन, राइट डाउन। Our next one will be Ayadi Sandhi. Next one will be Ayadi Sandhi. यदि
का आई सी हियर चिल्ड्रन, यदि आयादि संधि में क्या होता है, यदि ए आई और ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आई ये क्या बन जाता है, आई बन जाता है, और आई क्या बन जाता है, आई बन जाता है। आई यानी कि दिस आई विल नॉट बिकम, इट विल नॉट बिकम दिस आई बिकम आई। ओके, ओ का औ बन जाता है, ओ का औ यानी कि वो ये वो नहीं आओ नहीं ये आओ नहीं आओ ये आओ बन जाता है। सो एग्जाम्पल हम देखेंगे अभी। सो ए प्लस आ, ए प्लस आ का क्या बन जाता है, आई बन जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल चयन, चे प्लस अन्न, चयन चयन। ओके, ए प्लस अन चयन चयन, सॉरी। नेक्स्ट गई प्लस अक, गायक गायक, एंड भो भवन, भो प्लस वन, भो प्लस अन सॉरी भवन। भो प्लस अन पावन। सी हियर चिल्ड्रन, य चयन, चे प्लस अन्न, चे ए मात्रा विल बी देर एंड अ मात्रा विल बी देर, आयन चयन आई चयन आई विल बिकम। नेक्स्ट हियर गई प्लस अक, आई प्लस अ, गायक गायक आई गाय गाय आई गायक इट विल बिकम आई। नेक्स्ट भवन, भो प्लस अन्न वो, हियर वो एंड इट विल बी भवन, औ औ बन जाता भवन भवन वा भवन औ। नेक्स्ट औ प्लस आ औ बन जाता है पौ, औ मात्रा प्लस अ इज इक्वल पावन वन पावन औ, सो औ बन जाता है। सो दिस इज आयादि संधि, राइट डाउन चिल्ड्रन। Next one, we'll go for next this one.
Vyanjana Sandhi. This one, Ravi. Here, Swarsandhi, you have to learn it properly. In Swarsandhi, me, kaun kaun sa aata hai? Dirgha Sandhi, Guna Sandhi, End Sandhi, Vriddhi Sandhi, and Ayadi Sandhi. Next one will be Vyanjan Sandhi. Second one will be Vyanjan Sandhi. Vyanjan Sandhi हम किसे कहते हैं? In 2 minutes, sir. Okay. I too. See here, children. इसमें क्या है? व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पादन विकार को व्यंजन संधि कहते हैं. अंदर इधरली स्वर बरदिल्ल, फर्स्ट व्यंजन बंदिरुत्ते. आ व्यंजन जोते व्यंजन अथवा व्यंजन जोते स्वर सेरिदाग ಆಗುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಗಜ. ದಿಕ್ ಯಹ ಕ್ಯಾ ಹೋತಾ ಹೇ? ದಿಕ್ ಯಹ ಅ. ದಿಕ್ ಯಾನಿ ಕಿ ಯಹ ವ್ಯಂಜನ್ ಹೇ. ಇಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಗರ್ ಅ ಮಿಲೆ ತೋ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇ ಯೇ ಬನ್ ಜಾಯೇಗಾ. ಲೇಕಿನ್ ಕ ಏಕ ಕ ಹೇ. ಸೋ ಇಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ? ವ್ಯಂಜನ್ ಗ ಅ ಆ ಮಿಲ್ತಾ ಹೇ. ಸೋ ದಿಗ್ಗಜ್ ಸೋ ಚೇಂಜ್ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ. ಇಸೆ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಹೇ? ಇಸ್ ವಿಕಾರ ಕೋ ಹಮ್ व्यंजन संधि कहते हैं. सत प्लस वाणी, यह तो स्वतंत्र नहीं है, ये व्यंजन है, इसके साथ स्वर मिलता है. सो जो चेंजेस आता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं. राइट डाउन चिल्ड्रन. एंड लास्ट वन विल बी विसर्ग संधि. ओके, आफ्टर दिस लास्ट वन विल बी विसर्ग संधि. नेक्स्ट वन विल बी विसर्ग संधि. सो विसर्ग संधि हम किसे कहते हैं? विसर्ग संधि. ओके,
सी हियर चिल्ड्रन, विसर्ग संधि हम किसे कहते हैं? स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल के विसर्ग में जो परिवर्तन होता है विसे उसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग यानी कि दिस वन, दिस चिन्ह। सो जब हम देखते हैं निहि प्लस चय निश्चय, निहि प्लस चय निश्चय, यह निहि के बदले च आ गया है जो परिवर्तन आता है। दुह प्लस गंध दुर्गंध, दुर्गंध, दुह प्लस गंध दुर्गंध। एंड पुरह प्लस इत पुरोहित, पुरह प्लस हित पुरोहित, इसे पुरोहित कहते हैं। सो जो मेल होता है विसर्ग के व्यंजनों के साथ, व्यंजनों के साथ विसर्ग का मेल होता है जब विकार आता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अंडरस्टूड? संधि में तीन प्रकार होता है, वो है स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। स्वर संधि में कौन कौन से आते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, एंड संधि, आयादि संधि एंड वृद्धि संधि। नेक्स्ट वन विल बी व्यंजन संधि, अदर देन नेक्स्ट वन विल बी विसर्ग संधि। ओके चिल्ड्रन, यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट सम एग्जाम्पल्स एंड डिवाइड इट विच वन इज द विच संधि, यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, राइट इट प्रॉपरली चिल्ड्रन एंड प्रैक्टिस इट। Thank you.